साजिद खान पठान की कांग्रेस से टिकट घोषित होने के बाद पूर्व कांग्रेस नगर सेवक डॉक्टर जिशान हुसैन ने नाराजगी जाहिर करते हुए वंचित का दामन थाम लिया। लेकिन डॉक्टर जिशान के इस फैसले से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। इस संदर्भ में सामाजिक कार्यकर्ता हाजी सज्जाद हुसैन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर जिशान हुसैन ने यह फैसला गलत तरीके से लिया है। उन्हें महाविकास आघाड़ी को जिताने के लिए साजिद पठान को सहयोग करना चाहिए था। ये कहना तो ये है कि देखिए, सबसे पहली बात तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन बना जिसने इंडिया लेवल पर चुनाव लड़ा और उसके बहुत अच्छे परिणाम हैं। इसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर इसको रोकने के लिए महाविकास आघाड़ी बनी और सारे मुसलमानों की और सारे सेकुलर किस्म के जो लोग हैं उनकी ये ख्वाहिश थी कि महाविकास आघाड़ी जिसको भी टिकट देगी हम सब लोग उसको चुन के लाएंगे। लेकिन कांग्रेस के हिस्से में ये टिकट आई, इस पर कांग्रेस के सारे लोग बहुत दिन से जद्दोजहद कर रहे थे। डॉक्टर जिठान से नाराज़ हुए, उनका नाराज़ होना बनता है क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश की थी टिकट के लिए। लेकिन क्योंकि अब कांग्रेस ने जब साजिद खान पठान को टिकट दे दिया तो उन्होंने बड़ा दिल करके साजिद खान पठान की सपोर्ट करके उनको चुन के लाना चाहिए, लेकिन शायद इतनी जल्दी वो भूल ना पाए। तो अकोला के आवाम से मेरी खास अपील है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन सांप्रदायिक ताकतों को लड़ाने के लिए हराने के लिए काम कर रहा है और कौन सांप्रदायिक ताकतों को जिताने के लिए काम कर रहा है। तो हम देखते हैं कि हर बार कुछ ऐसी पार्टियां रहती है जिनकी वजह से सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा मिलता है। तो हमने ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए और सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए महाविकास आघाड़ी का जो कैंडिडेट है उसको चुन के लाना चाहिए और उसके लिए जो लोग घर में बैठे हैं उनको बाहर निकलना चाहिए, जो अच्छे लोग हैं जो कभी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेते। देखो, पॉलिटिक्स में कोई बुरी चीज़ नहीं है, पॉलिटिक्स के अंदर अगर हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे और अच्छे लोगों को चुन के नहीं लाएंगे तो हम बर्बाद होते रहेंगे। इसके लिए तमाम शहर के जो अच्छे लोग हैं, जो सेकुलर माइंड के लोग हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि वो मानव सेवन के लिए। गुलाम हुसैन, अकोला।